हाय गाइस, वेलकम बैक। हमारे ऑप्शन सीरीज के पार्ट थ्री में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस दो पार्ट में कुछ चीजें कवर की हैं। आप पार्ट थ्री डायरेक्टली देख रहे हैं तो आई रेकमेंड यू ऑल, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पिछले दो पार्ट देखें फिर ही ये पार्ट आप आगे बढ़े, क्योंकि अगर आपको वो दो पार्ट का कॉन्सेप्ट मिस होगा तो ये पार्ट कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, हमेशा की तरह मेरे दोस्त मनीष और अक्षिता साथ में है। तो मनीष अक्षिता कैसे हैं आप लोग? हेलो, बहुत अच्छे भाई। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रीकैप हो जाए सो दैट कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। पहले पार्ट में हमने एबीसी लिमिटेड नाम का कंपनी देखा था, उसमें हम लोग ने कुछ चीजें डिफरेंस देखा था। डिफरेंस देखने के बाद हमने कॉल क्या है, पुट क्या है, वो देखा था। डिफरेंस बेसिकली कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट या ऑप्शन मार्केट में डिफरेंस क्या है वो देखा था। फिर हमने कॉल क्या है, पुट क्या है, वो देखा था। लॉट साइज क्या है, सॉरी, वो देखा था। और स्ट्राइक्स क्या है वो देखे थे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े और उसी कॉन्सेप्ट को हमने ऑप्शन चेन एक प्रैक्टिकली देखा निफ्टी एनएसई के वेबसाइट पे आया ना, और वहीं पे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में मनीनेस नाम का एक कॉन्सेप्ट आगे लेके जाने वाले हैं, आया ना। मनीष, क्या आप बता सकते हो मनीनेस कहाँ पे हमने स्ट्राइक किया था, क्या है वो मनीनेस, कैसे किया गया था? ऑप्शन चेन के अंदर हमने देखा था कि जो अलग अलग स्ट्राइक्स होती है तो उसका प्रीमियम जो होता है वो बहुत डिफरेंस दिख रहा था। जैसे कॉल साइड में अलग अलग स्ट्राइक ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब जैसे जैसे स्ट्राइक कम होगा तो उसका प्रीमियम अमाउंट बढ़ते जा रहा था। तो उस टाइम आपने बताया था कि ये वाला, यस, हाँ, तो उस टाइम बताया था कि ये कौन सा मनीनेस में सीखेंगे। परफेक्ट। और आल्सो मनीष, फ्यूचर प्राइस का डिफरेंस और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस में मनीनेस निकाल रहे थे, अगर आपको याद रहेगा तो। ठीक है, हाँ, तो हम उसी चीज को आगे लेके जा रहे हैं। इस वीडियो में हम तीन चीज कवर करेंगे, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। ऑल्सो हम बिड प्राइस, आस्क प्राइस और एलटीपी चेक करने वाले हैं जो हम लोग मिस कर गए थे। ठीक है, आप लोग डर गए हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा जैसे हम स्क्रीन शेयर करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे एक सेकेंड, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मनीष अक्षिता, यही था हमारा प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था, अब इसी को आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ आने से पहले लेट अस कम बैक टू दिस बोर्ड अगेन, मेरा फेवरेट बोर्ड है ये। पता नहीं क्या है ये, ब्लिंक करे जा रहे हैं। तो मनीनेस, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड मनीनेस। ठीक है, मनीनेस दो साइड पे आएगी। ठीक है, एक आएगी कॉल साइड पे और एक आएगी पुट साइड पे। ठीक है, दोनों साइड अलग होती है मनीनेस, तो मैं सबसे पहले कॉल साइड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, मनीनेस बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड है आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं एटीएम, ए लिख रहा हूं सिर्फ मैं यहाँ पे, ओटीएम और आईटीएम, चलेगा। एटीएम को कहते हैं एट द मनी, क्या कहते हैं मनीष? एट द मनी। ओटीएम को कहते हैं आउट ऑफ द मनी। अरे बोलो, क्या वो कहते हैं इसे? आउट ऑफ द मनी। आईटीएम को कहते हैं इन द मनी, क्या कहते हैं? इन द मनी। ये मैं आपसे इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ सो दैट आपके माइंड में ही चीजें बैठ जाएं, और अगर आप लोग जो देख रहे हैं वो भी मेरे साथ रिपीट कीजिए। एटीएम इज एट द मनी, ओटीएम इज आउट ऑफ द मनी एंड आईटीएम इज इन द मनी। ये कैसे डिसाइड होता है हम देखते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, यहाँ पे भी देखते हैं। याद है एक फ्यूचर प्राइस कहा गया था, फ्यूचर प्राइस याद है कि नहीं आपको? फ्यूचर प्राइस और फ्यूचर प्राइस, हाँ मनीष बोलो, बेस स्ट्राइक डिसाइड किया था फ्यूचर प्राइस। परफेक्ट परफेक्ट, आप एकदम बराबर पकड़ रहे हैं अभी। तो एक फ्यूचर प्राइस से मुझे बेस प्राइस मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे फ्यूचर प्राइस 100 ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, चलेगा। फ्यूचर प्राइस 100 ले रहा हूँ, तो जो मेरा स्ट्राइक प्राइस होगा ना 100 का, वो हो जाएगा एट द मनी। वाई एट द मनी? क्योंकि मैं उस स्ट्राइक पे हूं ना, मेरा फ्यूचर प्राइस और मेरा स्ट्राइक प्राइस सेम हो गया, तो कैन आई से आई एम सिटिंग ऑन दैट वैल्यू, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एट द मनी। तो यहां पे मैं लिखूं फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, चलेगा। मनीष पिक्चर में फोन ऑफ करके आते हैं, मनीष इट्स अ रिक्वेस्ट, थैंक यू। ठीक है, एक डाउट है, जैसे हमने देखा था कि हमारा फ्यूचर प्राइस और अगर हमारे स्ट्राइक प्राइस से डिफरेंट हो तो भी हम लोग वही कंसीडर करते हैं एक्चुअली, क्योंकि बेस हो जाता है ना वो मेरा, तो वो ही प्राइस को मैं एट द मनी कहूँ। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं आउट ऑफ द मनी। किसमें आते हैं? आउट ऑफ द मनी।
क्लियरली कहते हैं आउट ऑफ द मनी ये होगा कि मुझे कोई चीज बाहर होती है, तो मैं ना आपको क्रिकेट का एग्जांपल लेके देता हूँ, ठीक है? जब क्रिकेट खेलते हो, आई होप आईपीएल सीजन चालू है, तो नहीं खेलते हो तो प्लीज देखा करो, आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। बैट्समैन है, बैट्समैन को क्रीज के अंदर रह के बैटिंग करनी पड़ती है, आया ना? अरे यस और नो। तो ये क्रीज जो है ना, क्रीज, ये जो क्रीज है मेरा, आप इसको एटीएम पकड़ दो, ठीक है? क्रीज के अंदर आप समझ लो आप हो आईटीएम, ठीक है? और क्रीज के बाहर हो आप ओटी। समझ में आया? अरे समझ में आया। तो सपोज ये मेरा वन है, टू है, सो वन एंड सो फोर, दस तक जाना है। अगर मेरा एटीएम पांच है तो मेरा ओटीएम क्या होगा? दस। समझ में आया कि नहीं? मतलब मेरे एटीएम, मतलब मेरे जो फ्यूचर प्राइस है, कॉल साइड की बात कर रहा हूँ, कॉल साइड की, पुट साइड पे कॉन्सेप्ट एकदम अलग होता है, प्लीज याद रखना, मैं कॉल साइड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो मेरा ओटीएम प्राइस है वो मेरे फ्यूचर प्राइस से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कॉल साइड पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं ऊपर की तरफ जाने वाला हूँ, गया नहीं हूं, मैं जाने वाला हूँ, तो जो मेरे फ्यूचर प्राइस के जो स्ट्राइक्स है उसके ऊपर ही होंगे, हाँ या ना? मानते हो कि नहीं इस बात? आउट, इसलिए वो क्या कहते हैं, वो मेरे रेंज के बाहर है, आउट ऑफ द मनी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बताओ, अगर एट द मनी इज फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, तो आउट ऑफ द मनी फ्यूचर प्राइस इज लेस देन माय स्ट्राइक प्राइस। यस और सिमिलरली इन द मनी ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली सिंपल है। तो मेरा फ्यूचर प्राइस विल बी ग्रेटर देन माय स्ट्राइक प्राइस। इज दिस क्लियर गाइस? Is this clear? तो मनी नेस क्लियर है आपके लिए? At the money, out of the money, in the money. ये सिर्फ कॉल साइड है, I repeat, ये सिर्फ कॉल साइड है। क्लियर हो? एक और बार बता दो, कॉल साइड में आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर की नीचे? ऊपर। ऊपर। क्लियर हो? चलो अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे आते तो उसी तरह मनीष अक्षिता, अगर ये मेरा एटीएम है, अगर ये मेरा एटीएम है, तो मैं कह सकता हूं ऊपर वाले स्ट्राइक यहां पे मेरे लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे, और नीचे वाले प्राइस मेरे लिए क्या हो जाएंगे, इन द मनी। क्लियर है आपके लिए? इसीलिए अगर आप नोटिस करो तो हाईलाइटेड सेक्शन इन द मनी के लिए हाईलाइटेड है और आउट ऑफ द मनी के लिए हाईलाइटेड नहीं है। क्या ये क्लियर है आपके लिए? मैं जानता हूं डाउट आने वाला है, पेशेंस रखिए मेरे साथ। तो ये हो गए कॉल साइड, ठीक है? अगर कॉल साइड के लिए आईटीएम, ओटीएम, एटीएम है, तो पुट साइड के लिए भी रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप समझते हैं पुट साइड को, ठीक है? आ जाइए वापस मनीनेस, सेम चीज है। तो यहां पे ना मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ, सीई लिख देता हूँ, चलेगा आपके? और हम समझते हैं आप पीई, ठीक है? एट द मनी तो सेम रहने वाला है, वहां तो कोई टेंशन नहीं, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम देयर, स्ट्राइक प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस दोनों सेम रहेगा। मनीष प्लीज ध्यान दो, मनीष। तो यहां पे फ्यूचर प्राइस इज इक्वल्स टू स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, मेरा स्ट्राइक प्राइस 100 रुपया है, बराबर है? मैं पुट कब लेता हूं? मैं पुट कब लेता हूं? तो अभी होता है कि प्राइस नीचे जाने वाला है। परफेक्ट, जब मेरा प्राइस नीचे जाने वाला है, तो अक्षिता अगर मैं 100 रुपए पे हूं और मैंने पुट लिया है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्राइस 110 जाएगा कि 90 जाएगा? 100 जाएगा कि 90 जाएगा? मनीष मैंने पुट लिया है, एबीसी 100 रुपए पे है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, 90 जाएगा कि 100 जाएगा? मनीष आप 90 जाएगा, 90 जाएगा, बराबर है, हाँ या ना? तो कैन आई से मेरे नीचे वाले वैल्यूज आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे क्योंकि मुझे उनके पास जाना है? एग्जैक्टली उल्टा। अरे यस और नो?
अरे यस और नो, तो इसीलिए यहाँ पे आपका फ्यूचर प्राइस विल बी ग्रेटर देन योर, अरे बताओ, स्ट्राइक प्राइस आया ना, यस, और ATITM के लिए योर फ्यूचर प्राइस विल बी लेस देन योर स्ट्राइक प्राइस. इज दिस क्लियर? इज दिस क्रिस्टल? अगर मैंने 100 मेरा ATM हो गया, 110 मेरा इन द मनी हो गया और 90 मेरा आउट ऑफ द मनी. परफेक्ट परफेक्ट, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट नीचे जाएगा. मनीष, क्या ये क्लियर है आपके लिए? सो आई होप जो वीडियो देख रहे हैं आपके लिए भी क्लियर है. ये है हमारे ATM और OTM का डिफरेंस. ठीक है, तो ये रहा आपका ATM, OTM, ITM. क्लियर है हम लोग? ये क्यों है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा. क्योंकि मनीष का जो फर्स्ट लेक्चर का डाउट है प्राइसिंग, वो ATM, OTM, ITM से ही क्लियर होगा, इसीलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं. तो आगे बढ़ने से पहले कॉल के लिए ATM साइड तो सेम है सबके लिए, ये वाला पार्ट तो सबके लिए सेम रहने वाला, तो ये मेरे लिए रिडंडेंट हो गया. ठीक है, दिस इज रिडंडेंट. फ्यूचर प्राइस इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, आया ना. फॉर अ कॉल योर, फॉर एन ओटीएम ऑप्शन, योर फ्यूचर प्राइस इज लेस देन योर स्ट्राइक प्राइस. आपका फ्यूचर प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होता है, और पुट के लिए आपका फ्यूचर प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होता है. परफेक्ट. फॉर एन ITM कॉल, योर फ्यूचर प्राइस इन कॉल साइड इज ग्रेटर देन योर स्ट्राइक प्राइस, एंड योर फ्यूचर प्राइस इज लेस देन योर स्ट्राइक प्राइस फॉर अ पुट कॉल. परफेक्ट, पुट साइड टू बी प्रिसाइज. जो वीडियो देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए भी. कोई इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि मुझे डिफरेंस बताओ दोनों का, और खासकर फर्स्ट ईयर MBA स्टूडेंट्स, इसलिए मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ सो दैट नॉलेज मिलते रहे आपको. तो दिस इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. मैं आ जाऊँ ऑप्शन चेन पे? ग्रेट ग्रेट. तो आई होप, इसलिए अगर आप नोटिस करो जो हाईलाइटेड सेक्शन है वो क्रॉस में है. एक का इन द मनी, दूसरे का आउट ऑफ द मनी है, और दूसरे का आउट ऑफ द मनी, एक का इन द मनी है. क्लियर? सो आई होप मेजर पार्ट्स ऑफ दिस ऑप्शन चेन इज गेटिंग क्रिस्टल क्लियर नाउ. अब मनीष का डाउट मैं एड्रेस करता हूँ. लेट अस कम बैक टू एक्सपायरी, लेट अस कम बैक टू एक्सपायरी. ठीक है, अभी मेरा फ्यूचर प्राइस कितना है? वाओ, 11,050. फर्स्ट अक्टूबर को एक्सपायरी. उस दिन मुझे सारे कॉन्ट्रैक्ट बेचने हैं. हाया ना, जो भी है सेटल कर रहे हैं, जो भी मेरे पोजीशन ओपन थे उनको क्लोज करने ना, उस दिन सारी चीजें एक्सपायर हो जाएगी. हाँ या ना? तो ऑब्वियसली जिस दिन एक्सपायर होगी उस दिन वैल्यू भी आना चाहिए हर एक स्ट्राइक का. बराबर है कि नहीं? वो वैल्यू कैसे आता है? अब मैं वैल्यू प्राइसिंग पे लेके आ रहा हूँ. प्रीमियम का वैल्यू कैसे डिसाइड होता है एक्सपायरी पे? ठीक है, इज दिस क्लियर? तो फॉर दिस कॉन्सेप्ट आई एम कंसिडरिंग, मैं कंसिडर कर रहा हूं कि मेरा निफ्टी 1 अक्टूबर को यही प्राइस पे क्लोज होगा. चलेगा? ये एग्जांपल लिया तो मतलब 11,050 पे मेरा निफ्टी 1 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है. ठीक है, क्या हम सब क्लियर है? मतलब ये प्राइस की जो स्ट्राइक होगी वो ATM पे ही क्लोज होगा. हाँ हाँ, बराबर. तो मैं बता रहा हूँ कि मैं प्राइसिंग कैसे डिसाइड करता हूँ, मेरा जो ऑप्शन का प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूँ मैं अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो. ये क्लियर है, मैं ये डायग्राम हटा रहा हूँ. ठीक है, तो एक रफ स्कीमा बना रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रख लो मेरे साथ. सीई, डीई और इधर SP, आते कि नहीं आपको? इधर 11,050 था. ठीक है, दो ही प्राइस ले रहा हूँ मैं हमारे इसके लिए. अगर आप नोटिस करो यहाँ पे नीचे प्राइजेस कम हो जाती है, तो वही चीज़ को ऐसे रख रहा हूँ, यूनिफॉर्म रखने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मैं 10,500 रख रहा हूँ यहाँ पे, और 10,000 रख रहा हूँ. चलेगा कि नहीं फिलहाल के लिए? बस आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना. बस मैं 2 स्ट्राइक रख रहा हूँ. और यहाँ पे 11,500 और 12,000 रख रहा हूँ. मनीष, yes. क्लियर है?
मनीषा बहुत सैड लग रहे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरा निफ्टी यहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है, 1st October क्लोजिंग, ठीक है। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, क्लोजिंग है वो, इग्नोर कर सकते हैं आप उसे, ठीक है, मैं से, ठीक है, ये इधर मेरा क्लोज हो रहा है। याद है LTP था मेरे प्रीमियम प्राइस, मतलब मैं LTP कहूंगा उसे, याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, वो प्राइसिंग कैसे होगी? सपोज आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एक्सपायर हो गया है, तो फाइनल डे एक्सपायरी पे, फाइनल डे एक्सपायरी पे कॉल साइड और पुट साइड जो OTM वैल्यूज होते हैं ना, जो OTM वैल्यूज होते हैं वो बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाते हैं, ये क्लियर है? वो बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाते हैं, मतलब सारे आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो अगर आप इस एग्जांपल को नोटिस करो तो कॉल साइड पे 11,100 से लेके 12,000 तक सारे जो वाइट में है ना वो जीरो हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो LTP है ना ये हो जाएगा जीरो। इसलिए आप नोटिस करो बाहर बाहर जितना जाओगे प्राइसें गिरती जा रही है, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी गिरता है तो प्राइस भी गिरता है, तो जितना आप आउट ऑफ द मनी जाओगे वो प्राइस गिरते रहेगा। मनीष याद है डाउट था कि ये डिफरेंस क्यों है, ये 117 क्यों है, वो 11145 क्यों है, याद है कि नहीं डाउट? वो डाउट आता है मनीनेस से, वो जो कॉन्सेप्ट आता है मनीनेस से। तो आप जितना इन द मनी रहेंगे उतना प्राइस बढ़ता है और आप जितना आउट ऑफ द मनी रहेंगे उतना प्राइस गिरता है। समझ में आ रहा है? मेरा बेस प्राइस से मैं जितना दूर हूं तो 1st October एक्सपायरी में उसका प्रोबेबिलिटी वहां तक जाने का कम है, इसलिए मेरा प्रीमियम भी कम है। यस, वो प्रीमियम प्राइस कम है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? इसीलिए मतलब ये प्राइसेस और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं ना कि मतलब ITM ऑप्शन जो होते हैं उनका ITM में एक्सपायर होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। यस यस यस, दैट्स राइट। बट उसके लिए हमें प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ता है। एग्जैक्टली, आपको उसके लिए प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। तो ये प्रीमियम वाला पार्ट है ना मनीष, ये नेक्स्ट आगे वाले सेक्शन में कवर करेंगे। बस फिलहाल के लिए इतना समझो कि OTM के जितने स्ट्राइक्स है वो हमेशा क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है OTM का पार्ट? क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं ये मैं क्यों बता रहा हूँ। तो जिस दिन मेरा एक्सपायरी होता है ना तो ये जो प्राइसेस है ना ये पता है कैसे कैलकुलेट होते हैं, इनका फॉर्मूला है, क्लियर है? कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस ऑफ निफ्टी का फ्यूचर प्राइस ऑन एक्सपायरी, ठीक है, वो क्या है अभी यहाँ पे 11,050, ये है हमारा 1st October का क्लोजिंग प्राइस जो हमने अज्यूम किया है। डिफरेंस है मतलब सब्ट्रैक्शन आएगा, यस और नो? सब्ट्रैक्शन आएगा माइनस द स्ट्राइक प्राइस, माइनस द स्ट्राइक प्राइस। तो इस चक्कर में मैंने क्या ले लिया यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, तो LTP इज कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस ऑफ, that's calculated as a difference of future price on that expiry day, aaya na, ye FP hai, future price minus the strike price, is this clear? Yes. So ye value kya ho jayega, 450 raha na, 450 hoga na, nahi 550, meri mathematics as usual, kitna ho jayega ye 550, तो ये वैल्यू हमें क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा, ठीक है मनीष? मनीष क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला जो नीचे वाले स्ट्राइक से उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा ना? ये क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा ये आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम लॉस मैक्सिमम लॉस और पे आउट डायग्राम, हो सबका वो एडवांस है थोड़ा, वो हम आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया OTM में हो तो उसको जीरो कंसिडर करो। वो जीरो क्यों कंसिडर करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि वो ऑप्शन ग्रीक्स, अगेन रिपीट, ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंस निकाल लो तो 1050, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1050। तो एक बात बताओ ATM प्राइस क्या हो जाना चाहिए, जीरो, क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस है ना, आया ना? ये वाला सेक्शन पुट के लिए OTM है तो ये तो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये वैल्यू सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा 450, 450 ना, ये 450 होगा ना, ये 450।
450 एंड ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 950. तो आपको समझ में आई टी एम ओ टी एम क्यों इम्पोर्टेंट है? आई टी एम ओ टी एम ई टी एम इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका रिस्क क्या हो सकता है और फाइनल एक्सपायरी डे पे आपका फाइनल प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? तो ओ टी एम ए टी एम क्या होता है वो देखा हमने इस वीडियो में. एक सेकेंड ना, स्क्रीन शॉट. हमने देखा ओ टी एम ए टी एम आई टी एम क्या होता है, बराबर है. हमने देखा एक्सपायरी डे पे वाई ओ टी एम ए टी एम और आई टी एम इज इम्पोर्टेंट. आप जितना डीप आई टी एम रहेंगे आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है. आप जितना डीप ओ टी एम रहेंगे आपका वैल्यू जीरो, प्राइस जो प्रीमियम है उसको जीरो होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. और ए टी एम पे तो ऑटोमेटिकली जीरो है, हमने वो फॉर्मूला देखा. ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉल साइड पे आई टी एम ओ टी एम ए टी एम और पुट साइड पे आई टी एम ओ टी एम. अब नेक्स्ट इसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे जो है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. ठीक है, तो एनीवन हु इज वाचिंग दिस नाउ योर रियल गेम स्टार्ट्स. पहले दो लेक्चर्स बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये एक लेवल ऊपर था, नेक्स्ट वुड बी थ्री नॉचेस अप. सो प्लीज आप लोग नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो ये तीनों वीडियो अच्छे से देख के आइएगा. एंड ट्रस्ट मी गाइस, पार्ट फोर समझ में आ गया, ऑप्शन ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा. तो यस, आप दोनों के लिए भी है, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए. एंड आई होप आई विल डू सम जस्टिस सो दैट यू गाइस बिकम गुड ट्रेडर्स इन नेक्स्ट 20 डेज. आपको एटलीस्ट बेसिक समझ में आए और नेक्स्ट 1 year 2 years में आप एक अच्छे ट्रेडर बन के आए. हमेशा की तरह अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. One more thing. ये जो हम कोर्स कर रहे हैं, जो ट्यूटोरियल कर रहे हैं, बाहर मार्केट में इसका प्राइस 50,000 से 60,000 रुपए है. कुछ कुछ लोग 1 lakh rupees भी लेते हैं ये सब कॉन्सेप्ट्स का. तो प्लीज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज लेक्चर्स. ठीक है, सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.